वेदनीय कर्म के निमित्त से क्या होता है? यहाँ तो ऐसा हम कहेंगे अनुकूल प्रतिकूल संयोग मिलते, वो तो कथन की बात है। जो कोई संयोग है उसमें अनुकूलता लगती है, जो कोई संयोग है उसमें प्रतिकूलता लगती है। संयोगों की रचना ये कर्म नहीं कर रहा, ये मंदिर की महलों की रचना ये कर्म नहीं कर रहे, परंतु ये जो रचना हुई है उनके अपने कारण से उसमें जीव को सुखरूप परिणमन लगता है, इष्टता लगती है या अनिष्टता लगती है। तो इष्टता अनिष्टता तो मोहिनी से लगती है। हाँ, जहाँ मोहिनी विद्यमान है, मोहिनी का उदय है, वहाँ संयोगों में अनुकूलता भाषित होती है, वो साता का कार्य है, और जहाँ प्रतिकूलता भाषित होती है वो असाता का कार्य है। कोई बहुत अनिष्ट बाहर में दिख रहे दूसरों को अनिष्ट संयोग, इसलिए वो असाता का कार्य चल रहा है, ऐसा हम नहीं कह सकते। फिर भी हम स्थूल रूप से ऐसा कहेंगे संयोगों की अनुकूलता है ना साता वेदनीय, यानी कहना कोई शुरू में स्थूलता से कह देने में कोई आपत्ति नहीं है, बहुत कोई भूल है ऐसी बात नहीं, पर सूक्ष्मता उसकी भी जाननी योग्य है। तो कहते हैं वेदनीय कर्म के निमित्त से अनुकूल या प्रतिकूल संयोग मिलते हैं, और मोहनीय कर्म के निमित्त से जीव उनमें इष्ट अनिष्ट कल्पना करके सुखी दुखी होता है। सुख दुख का अनुभव कराने वाला वेदनीय है, वेदनीय ने वेदता है, जीव वेदन करता है, किसका? सुख का या दुख का। इसलिए वो उसको जिसको कहें ना अनुकूल लगे, सुखरूप वेदन करता है तो उसको हम साता वेदनीय कहेंगे, दुखरूप वेदन करता है तो असाता वेदनीय कहेंगे। यह सच्चे आत्म सुख की बात नहीं है, नहीं तो हम कहेंगे कि भगवान को तो पूर्ण अतीन्द्रिय अनंत सुख है, तो कौन से कर्म के कारण है बोलो बिन। भगवान को अनंत सुख है कौन से कर्म के कारण, साता के असाता? वो तो स्वभाव है। ये जो हम साता असाता की बात कर रहे हैं वो इंद्रियजन्य सुख दुख की बात है, और वो भी मोहनीय के सद्भाव में होगा अन्यथा नहीं होगा।